तो कोरोना को लेकर एक कहर का माहौल देखने को मिल रहा है। सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। सिंगर कनिका कपूर को कोरोना वायरस है और ये स्थिति डरा देने वाली है, क्योंकि भारत लौटने के बाद कनिका कपूर ने एक पार्टी में भी हिस्सा लिया था और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि कनिका कपूर को कोरोना वायरस है, उसके बाद से दहशत का माहौल है। 15 मार्च को लंदन से लखनऊ लौटी थी, उसके बाद इन्होंने एक पार्टी में हिस्सा लिया था और कितने ही लोग हैं जो इनके संपर्क में आए होंगे। रविवार को 100 लोगों की पार्टी थी जिसमें शामिल हुई थी। ऐसे में हो सकता है कि कई लोग उनकी वजह से इस वायरस की चपेट में आ गए हों। लखनऊ में आयोजित हुई थी हाई प्रोफाइल पार्टी और इस पार्टी में कनिका कपूर शामिल हुई थी। पार्टी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शिरकत की थी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वसुंधरा राजे भी इस पार्टी का हिस्सा थी। अब उन्हें भी कोरोना को लेकर अपना चेकअप करवाना होगा। सांसद दुष्यंत सिंह भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। तो कनिका कपूर कोरोना से पॉजिटिव पाई गई है, हाल ही में विदेश से लौटी थी और उसके बाद इन्होंने लखनऊ में एक पार्टी में हिस्सा लिया था। इस पार्टी में तकरीबन 100 लोग पहुंचे थे और इस हाई प्रोफाइल पार्टी में हिस्सा कई जाने माने लोग भी हुए थे, जिनमें से एक है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। तो अब ये देखने वाली बात है कि तकरीबन 100 लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे, तमाम लोगों को कोरोना के टेस्ट से गुजरना होगा। एक डर जरूर होगा उन लोगों में कि कहीं वो भी इस संक्रमण के प्रभाव में ना आ गए हो। कोरोना बीमारी फैलने के बाद से लगातार तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की जा रही है, वहां पहुंचने वाले तमाम यात्रियों को चेक किया जा रहा है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई वो ये थी कि कनिका कपूर ने कोरोना का टेस्ट करवाया ही नहीं था।